ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए है, दिवाली के पहले एक दिवाली की धमाका एक न्यूज है। हम दिनेश लाल नेहरा के साथ में ऑलरेडी अविनाश से राजनेता एक मूवी हमने साइन कर चुके हैं, केशरी लाल यादव से प्रोडक्शन टू हो चुका है, थर्ड बाकी था पवन जी के साथ। ये दिवाली की टॉप न्यूज यही आने वाला है, पवन जी के साथ हम दिसंबर में मिड दिसंबर तक हम पवन जी के साथ काम शुरू करने वाला है। मिड डे की अवार्ड मिल के बहुत ही अच्छा लगा हमें, और मिड डे हमें रिकॉग्नाइज किया है, एक्नॉलेज किया है हमारी काम करने की तरीका, हमारी एज एंटरप्रेनर एंड प्रोड्यूसर हमें रिकॉग्नाइज किया है आइकॉनिक, तो बहुत ही अच्छा लगा। क्रूज हमारे इससे पहले भी हमने इस वाले सब कर सकते थे, क्रूज पार्टीज वगैरह हम करते रहते, ऑर्गेनाइज करते रहते, टीम इनोवेशन के साथ सम्मान के साथ गोवा में अदर लोकल प्लेसेस में, तो क्रूज बहुत ही अच्छा रहा हमारी और हमारी कंपनी के आईवेरा स्पॉन्सरशिप। पहले जमीन में था, अभी जल के ऊपर भी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट हो जाएंगे। ये तो सिर्फ तीन स्टार को हम अलग अलग साइन किया, हमें नेक्स्ट ईयर में ये आप लोग को देखने के मिलेंगे, इन वन सिंगल मूवी थ्री स्टार्स टुगेदर वर्क करने के देखने के लिए मिल जाएगा आपको। बहुत ही अच्छा रहा पवन जी के साथ में, बहुत इमोशनल इंसान है, बहुत इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, ब्रदरहुड उनका अच्छा ब्रदरहुड रहा है, और मार्केट में बहुत सारे नेगेटिविटीज पड़ा रहते हैं पवन जी के साथ काम करने में, लोग डरते हैं, और हम ए ए ए ए गलतफहमी को हम खत्म कर देंगे। हम देखेंगे लोग कहते हैं जैसे हाँ बहुत मूडी है, मिजाजी है, हमें मुझे नहीं लगता कोई मूडी है। एक डेढ़ घंटा हमें बातचीत रहा तो उनके साथ जो मिल पाते हैं तो उनके साथ अटैच होकर वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कुछ उनके साथ काम करने डिफिकल्ट है या हार्ड है। ये फर्स्ट मूवी हम करके देखेंगे, चेक करेंगे कैसे एटमोसफेयर रहे, एनवायरमेंट अगर कंफर्टेबल फील हो तो नेक्स्ट कंटिन्यू बैक टू बैक करते रहेंगे। नहीं नहीं, यही सेम वर्ड, ये आप लोग के लिए सबसे टॉप ट्रेंड न्यूज है, अंडर वन अम्ब्रेला यू ऑल कैन सी थ्री स्टार्स टुगेदर वर्क इन सिंगल मूवी। कब तक देखने को मिलेगा तीनों के साथ आपकी मूवी? नेक्स्ट ईयर हमें टारगेट है, नेक्स्ट ईयर नीड सम टाइम तीनों के साथ में बैठ के अलग अलग काम करके अनुभव ले, फिर तीनों को ज्वाइन करेंगे। हम हर रीजनल लैंग्वेज में वर्क करेंगे, भोजपुरी के बाद हमारी मराठी, बेंगोली एंड पंजाबी, गुजराती, सारा रीजनल लैंग्वेज में काम करेंगे। हाँ, ओपात तो मिलने वाला है, हमें खुद ही इग्नोर कर रहा है, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते, थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एज सोशल वर्कर हम जरूर अटेंड करेंगे, कोई भी पार्टीज को मेन टारगेट ना करें, एज सोशल वर्कर हम काम करेंगे। ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि इंडस्ट्री में इनके जैसे, अशोक जी जैसे बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हमारे साथ में जुड़े, इंडस्ट्री के साथ जुड़े, ताकि हम लोगों की जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मूवी बन सके, और इंडस्ट्री को ऐसे ही प्रोड्यूसर की ज़रूरत रहती है कि यू नो, हम लोग इनके साथ ही काम करते हैं और इनके साथ ही हम लोग चमकते हैं, और बहुत अच्छा फील होता है कि जब कोई अच्छा इंसान हमारी इंडस्ट्री में आता है और जुड़ के हमारे साथ काम करना चाहता है, तो रियली आई ग्रेटफुल। और इन्होंने इतने अवार्ड जीते हैं और इतनी इनके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी है, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आपको सर। रियली आप बहुत आगे जाओ, अच्छे से बहुत ऊपर जाओ, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, इंडस्ट्री हो, आप मेरी हमेशा आपके साथ में ब्लेसिंग। नमस्कार, मेरा नाम श्रीन परवीन है, और अशोक जी नए अभी आए हैं इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छे बड़े बिजनेसमैन हैं, और अभी इनको जो मीडिया का अवार्ड मिला है तो मुझे लगता है कि इनका जो बिजनेस करने का तरीका है और जो आगे जो इनकी ग्रोथ हो रही है बहुत अच्छी हो रही है, और इंडस्ट्री में एक नया प्रोड्यूसर अगर आएगा तो जाहिर सी बात है कि हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि हमें और ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलेगा और अच्छे मौका, अच्छा रोल करने का हमें मौका मिलेगा, शायद कुछ नई स्क्रिप्ट इनके तरफ से आए और हमें काम करने का अच्छा मौका मिले और बढ़िया, और इनके साथ साथ हम भी आगे बढ़ें। तो मैं इनको सबसे पहले अशोक जी को बधाई दूंगी आपको मीटर अवार्ड के लिए, थैंक यू सो मच। पहले तो इभाईरा जो हमारी कंपनी है फिल्म, मैं इस कंपनी का पार्ट हूँ, तो मैंने अशोक प्रसाद अभिषेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खेसारी लाल जी का जो फिल्म हम लोगों ने प्रोडक्शन नंबर 2 अनाउंस किया, तो मैं उसका निर्देशन मैं कर रहा हूं, और जो
नेता से अभिनेता राजनेता अभिनेता जो हमारी फिल्म है जिसमें हमारे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं तो उनके संतोष जी हैं और पवन जी की भी फिल्म एक अनाउंस हुई है तो मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई सर आपको एक हंगामा भोजपुरी इंडस्ट्री में लाने के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत सबसे पहले तो अशोक जी का बहुत नाम सुना है और आपको आपके अचीवमेंट की बहुत बहुत बधाई हो। मैं तो इतने सारे प्रोजेक्ट सुन के खुद एक्साइटेड हो गई हूँ कि मैं भी एक अभिनेत्री हूँ तो मुझे भी सबके साथ काम करने का मौका मिलेगा और सर जैसे प्रोड्यूसर अगर मार्केट में आएंगे तो मेरे जैसी काफ़ी जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उनको भी बहुत सारा मौका मिलेगा। तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आने वाला साल आपका बहुत शुभ हो और ये दिवाली आपके लिए बहुत शुभ हो। सबसे पहले सभी मीडिया वालों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीशा अली खान एंड कंग्रेचुलेशन टू अशोक जी एंड पूरा टीम को इनका, टू द एंटायर टीम। आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट टू द एंटायर टीम ऑफ दिस कंपनी बिकॉज दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, दे आर मेकिंग सो मेनी फिल्म्स इन भोजपुरी इंडस्ट्रीज and I think you will make in Bollywood, Marathi and Bengali. He have a long term planning, so हम लोग भी उस प्लान का इंतज़ार कर रहे हैं। और अचानक से कुछ दिन पहले एक धमाका आया, मैंने बोला क्या धमाका हो रही है, तो मैंने सुना एक ऐसा प्रोड्यूसर आए हैं जो चारों तरफ धमाका करने वाले हैं, सो वी आर वेरी मच एक्साइटेड टू सी द धमाका। एंड ऑलरेडी आप लोग धमाका देख चुके हैं कि उन्होंने काफ़ी सारे डायरेक्टर एंड स्टार्स को साइन कर चुके हैं, सो होप फॉर द फेयर बेस्ट एंड गुड लक। ये आपने पहले कहा मिड्डे से हमारा रिलेशन जस्ट शुरू हुआ है, तो एक मिड्डे नहीं बाकी सारे प्रेस एसोसिएटेड जितने भी लोग हैं सारे लोग हमारी वर्क को अप्रिसिएट करेंगे और रिकग्नाइज करेंगे, हमें वर्क को अवार्ड देंगे।